नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और सात का समीकरण शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मतदान खत्म हो चुके हैं और यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान खत्म होने के साथ 11 जिलों की 58 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई और शाम 6 बजे तक मतदान हुआ है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में हुए मतदान के बाद अब इन सीटों से 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 10 मार्च को मतगणना के बाद सामने आ जाएगा। एबीपी गंगा पहले चरण के मतदान की हर तस्वीर, हर अपडेट के साथ लगातार आपको पहुंचाता रहा, मौजूद रहे हम। हर जिले में हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो कि ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। जनता से यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बढ़ चढ़ के मतदान करने का अपील भी किया। जनता का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है, ऐसे में जनता ने किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है, इसका पता 10 मार्च को मतगणना के बाद ही चल पाएगा। तो देखिए, 11 जिलों पर हमारी बड़ी पैनी नजर रही है। सुबह 6 बजे तक आपको हमने हर एक तस्वीर दिखाई। इसके अलावा जो हमारा सामाजिक सरोकार था, हमने खुल करके वोट अपील की और जिस किसी ने भी वोट किया उसकी सेल्फी को हमने स्क्रीन पर दिखाया, ताकि कुल मिला के लोकतंत्र के इस पर्व को बड़ी खूबसूरती के साथ मनाया जा सके। बढ़ चढ़ के लोग सामने आए, घरों से निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ये सुनिश्चित करने में हमने भी, यानी एबीपी गंगा ने भी अपनी भूमिका निभाई है। चलिए, अब ग्राउंड पर किस तरीके का दिन रहा और लोग जब जुड़ रहे हैं उनका क्या कहना है, अवधेश का रुख करेंगे। बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश से जानेंगे। अवधेश, पूरा दिन बीत गया, कैसा रहा मतदान, शांतिपूर्ण रहा क्या? बिल्कुल, मतदान शांतिपूर्ण रहा। और सीधे लोगों से इसलिए बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से वोटिंग हुई और किन मुद्दों पर हुई, ये बताइए कि किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है, किस तरीके से आज आप लोगों ने लोकतंत्र को जिया। आज का जब मतदान अगर आपको महसूस करें या आप जानकारी में आए, तो जो जिस बढ़ चढ़ के मतदाताओं ने आज मतदान किया है वो सब बधाई के पात्र। मैं बधाई देना चाहता हूँ शासन प्रशासन को भी और चुनाव आयोग। मुद्दे क्या रहे? मुद्दे रहे शासन, जो सरकार योगी जी की रही, सुशासन रहा, जो विकासवाद की राजनीति करी, परिवारवाद की राजनीति नहीं करी, लोगों में सुरक्षा का भाव हुआ, यह अहम मुद्दे रहे इस चुनाव में। वोट क्या मसले रहे और किस मुद्दे पर वोटिंग हुई? हम व्यापार मंडल को प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापारी की एक ही इच्छा, मिले मान सम्मान सुरक्षा, मान सम्मान सुरक्षा स्वाभिमान, राष्ट्र हिंदू और हिंदुत्व के लिए चुनाव हुआ है और हमने इसमें सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। व्यापारी आज सुरक्षित है और इस कारण से व्यापारी ने सबसे राष्ट्रवादी पार्टी को आज वोट किया है। किसको बुलंदी मिल रही बुलंदशहर में? बुलंदशहर में तो बाबा को ही बुलंदी मिलेगी, क्योंकि वोट बाबा को गई है, ना कि यहाँ के प्रत्याशी को। क्यों? मतलब प्रत्याशी से नाराज हैं आप लोग? प्रत्याशी से नहीं, व्यापारी का बहुत ज्यादा मतलब दमन किया गया है, लेकिन लास्ट में जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी सुरक्षा करने वाला कौन है। इससे तो ये दमन सेलो छोटा बड़ा बड़ा जो जेलों से हमारी फिरौती मांगी जा रही थी, या फिरौती तो नहीं मांगी जा रही, कम से कम यहाँ पर ऐसा हुआ है। व्यवस्था बड़ा मसला है, किस मसले पर वोटिंग हुई बुलंदशहर में, कौन आ रहा है? देखिए, बीजेपी ही रही है, सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है, सुरक्षित महसूस करती है जनता। और आप आज की डेट में अगर इस समय भी आप अपने आसपास निगाह उठा के देखेंगे तो महिला सुरक्षा प्राथमिकता पे सरकार ने देखी है। तो आज की बिल्कुल अवधेश, देखिए लोग अब खुल करके अपने मुद्दों को बता रहे हैं। बुलंदशहर की ये जनता है जिनकी आवाज हम आप तक पहुंचा रहे थे और लगातार हमने ग्राउंड से आपको ऐसी ही डिटेल्स दी हैं। और अब यूपी में आज पहले चरण के मतदान के दौरान अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को मिली जमानत को लेकर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। तो देखिए, लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, इसके बाद सियासत बड़ी गर्म है। लखीमपुर कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को गंभीर लापरवाही का दोषी माना। हाईकोर्ट ने लखीमपुर में धारा 144 लागू होने के बाद भी तिकुनिया और बनवीरपुर में जुटी भीड़ पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने माना कि कुछ लोगों के राजनीतिक फायदे के लिए निर्दोष लोगों को बुलाकर एकजुट किया गया, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी जानकारी होते हुए भी आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आम जनता को परेशानी से बचाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को इस तरीके के प्रदर्शन और जमावड़े पर दिशा निर्देश के आदेश दिए हैं।
तो देखिए ये एक बड़ा घटनाक्रम, एक बड़ी टिप्पणी रही, जहां इस दायरे में एक पूरे प्रशासनिक अमले को लाया गया है, जहां सवाल कई पूछे गए हैं कि धारा 144 लागू होने के बाद और इसके बाद सूचना तंत्र से जिस तरीके की इंफॉर्मेशन मिली थी, जिस तरीके की जानकारी मिली थी, उसके आधारित क्यों नहीं एक्शन किए गए, ये तमाम बड़े सवाल पूछ लिए गए हाईकोर्ट की ओर से और ये सख्त टिप्पणी है। और आज अगर बात करें सियासी सरगर्मी की, तो बिल्कुल आशीष मिश्रा की जमानत के बाद से तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, जिसमें अखिलेश का तंज हमने आपको सुनवाया ही, लेकिन हाईकोर्ट के सख्त होने की वजह भी देखिए, आयोजकों पर कार्रवाई नहीं हुई इससे भी हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में सवाल पूछा है और दूसरे चरण का प्रचार तेज हो गया है। अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने चुनाव प्रचार किया, दोनों ने संयुक्त उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे, दोनों नेताओं ने रोड शो करके उम्मीदवार के समर्थन में वोट अपील की है। इस दौरान दोनों ही नेताओं को देखा गया कि योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हैं। आपने देखा होगा बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पहले ही पैदल कर दिया। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं, अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। बांदा जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली विधायक को बड़ी राहत दी है। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मऊ सदर से विधानसभा सीट चुनाव लड़ सकते हैं। नामांकन की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश भी पारित कर दिया है। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले आज दूसरे चरण के चुनाव को लेकर तमाम दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। काफी समय से वर्चुअल रैली करते आ रहे प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में जनसभा की। इस दौरान पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर, खासकर सपा पर बड़ा हमला बोला। तो इस रैली में प्रधानमंत्री की जो पूरे संबोधन से कुछ बुलेट पॉइंट निकल करके आए, जो अहम बातें रही वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़ बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है, आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। गौर परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं, वो इसी सोच पर चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं। वही सीएम योगी भी आज पीएम मोदी के साथ सहारनपुर में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने सहारनपुर क्षेत्र को डार्क जोन बना करके रखा था, यहां दंगे होते थे। सीमांत जनपद होने के नाते यहां पर विकास नहीं पहुंचता था, यहां पर शासन की योजनाएं नहीं पहुंचती थी और पिछली सरकारें सपा की रही हो या बसपा की, उन सरकारों में उन्हें जब यहां पर बिजली नहीं दे पाए थे तो उन्होंने इसे डार्क जोन भी घोषित कर दिया था। भाइयों बहनों, वे अंधेरे में रहने के आदि थे, उन्होंने सहारनपुर को डार्क जोन घोषित किया था, लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई,
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने डार्क जोन से मुक्त करके 24 घंटे बिजली देने का काम भी किया, डार्क जोन से मुक्त करवाया। भाइयों बहनों, जो लोग पहले यहां पर दंगा करवाते थे, कोई भूला नहीं होगा मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का सिख विरोधी दंगा, और कोई व्यक्ति केराना और कांधला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। ये वही क्षेत्र हैं जहां पर कभी व्यापारी प्लान करता था। वहीं सीएम योगी ने सहारनपुर के बाद बिजनौर और संभल का भी दौरा किया। सीएम ने संभल में विपक्ष खासकर सपा पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले गरीबों का पैसा इनके इत्र वाले मित्रों के पास चला जाया करता था। वहीं सीएम योगी ने संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को तालिबानी मानसिकता वाला भी बताया। बिजली का पैसा, गरीबों का घर, गरीबों का शौचालय, ये सब इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। और इत्र वाला मित्र हो या माफिया हो या शकीपुर रहमान बर्क जैसे तालिबानी मानसिकता के लोग, इनके लिए बुलडोजर आवश्यक है ना। विकास भी और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए ना। वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज रामपुर मुरादाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क किया। प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे की दो अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर प्रियंका की डोर टू डोर कैंपेन की है। उन्होंने महिलाओं से युवाओं को रिस्ट बैंड बांटकर वोट की अपील की। इस दौरान ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। प्रियंका कांग्रेस प्रत्याशी नवाब काजिम खान उर्फ नावेद मियां के साथ सड़क पर उतरी थी। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिएगा तो यहाँ प्रियंका लोगों से बातचीत करती दिखाई दे रही हैं, और ये उनकी शैली रही है कि रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं, थम जाती हैं, जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिलता है लोगों से बातचीत करने का। तो ऐसी तस्वीरें अक्सर प्रियंका के कैंपेन से मिल जाती हैं। अभी आप देखिए सोशल मीडिया पर भी ये इनकी ये बातचीत काफ़ी चल रही है, जहाँ एक शख्स के बगल में बैठ करके उससे बातचीत कर रही हैं, समझ रही हैं, समझा रही हैं। ये दो अलग तस्वीरें हैं, मुरादाबाद से निकली हैं। देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े युवाओं और महिलाओं पर खास तौर पे बातचीत करती हुई दिखाई दी थी। आगे बढ़े, बात कर ले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की, जिन्होंने बदायूं के बिलसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधा और कहा कि लक्ष्मी हाथी साइकिल या पंजे पर नहीं बल्कि कमल पर बैठती हैं। और स्वतंत्र देव ने कहा कि सपा शासन में थाने बन गए थे सपा के कार्यालय, यानी कुल मिलाकर कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। कानपुर का सेनानियों ने गले में फांसी का फंदा लगा दिया, इसलिए मित्रों कि देश सुरक्षित हो, भारत माता का जय का नारा हो। पहले कोई जाता था दुनिया में कोई पहचानता नहीं था, आज आपका नेता प्रधान सेवक जब लंदन के धरती पर उतरता है मित्रों, तब विक्टोरिया मॉल में भारत माता के जय का नारा गूंजता है, वंदे मातरम का नारा गूंजता है। मित्रों, देश का पहला प्रधानमंत्री 70 सालों बाद धरती को उतरकर दिव्य और भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने वाला कोई नेता मिला है मित्रों, राजा मोदी मिले मित्रों।